पश्चिमी बंगाल में प्रकाश पाल की हत्या के मामले में पूरे प्रदेश में विश्व हिंदू परिषद का आक्रोश दिखाई दे रहा है। इसको लेकर पूरे प्रदेश में विश्व हिंदू परिषद के लोग धरना प्रदर्शन कर बंगाल सरकार के खिलाफ अपना आक्रोश जता रहे हैं। इसी क्रम में आगरा में विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट पहुंचकर पश्चिमी बंगाल सरकार का विरोध किया और ममता बनर्जी के खिलाफ जमकर हमला बोला। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं का इस दौरान कहना था कि पश्चिमी बंगाल में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है, जहां खुलेआम हिंदुओं की हत्या की जा रही है। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा और पश्चिमी बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। ममता बनर्जी के खिलाफ इतने नारे लग रहे हैं, किस लिए लग रहे हैं? 10 अक्टूबर को बंधु प्रकाश पाल, उसकी धर्मपत्नी और उसके 8 साल के बच्चे की जो निर्मम हत्या घुसपैठियों के द्वारा किए गए, उसके विरोध में बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद पूरे भारत वर्ष में आज ज्ञापन कलेक्ट्रेट स्थल पर ज्ञापन दे रहा है। हमारी मांग है कि इस प्रकार के घुसपैठियों के द्वारा, जो बांग्लादेशी घुसपैठी हैं, उनके द्वारा हिंदुओं की निर्मम हत्या की जा रही है, इसके खिलाफ वहाँ की सरकार, ममता बनर्जी की सरकार, सख्त से सख्त कार्रवाई करे, ऐसे लोगों को तुरंत जेल में गिरफ्तार करके जेल में बंद करे। और माननीय राष्ट्रपति महोदय से हमारी निवेदन है, हमने राष्ट्रपति महोदय जी के लिए ज्ञापन दिया है, हमारी मांग है कि ऐसी सरकार को तुरंत बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। सर, विश्व हिंदू परिषद प्रांत उपाध्यक्ष, ये लगातार यहाँ पर सभी लोग ज्ञापन दे रहे हैं जो कोलकाता में हुआ है, उसके लिए आप और क्या मांग करना चाहते हैं, ये बताइए सरकार से। हमारा सबसे बड़ा जो इस समय जो गुस्सा है पूरे देश के अंदर, हम उस गैंग को ढूंढ रहे हैं, जो गैंग यदि एक अखलाक मर जाता है तो सैकड़ों लोग आकर के अपने अवार्ड वापस करते हैं, वो गैंग कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। किस तरह से पूरी बेरहमी के साथ पूरे परिवार को मार दिया गया, एक साजिश के तहत मारा गया। क्या वो 3 हिंदू मरे, उनका हिंदू होना दोष था? आज वो गैंग कहाँ छिपा हुआ है? देश के अंदर ये नहीं चलेगा। और जो पश्चिम बंगाल की घटना है और 3 लोगों का, हिंदुओं का जो बलिदान है, ये बलिदान पूरे देश में के अंदर एक आक्रोश पैदा करेगा और ऐसे गैंग जो हैं उनको सबक सिखाएगा।